हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है ना, जल्दी से यस लिख दो। ठीक है ठीक है, मतलब सबको दिखाई दे रही है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे किसी भी परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा ये देखेंगे। और परिमेय संख्या के बारे में मेरे सभी बच्चे जानते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगी आप लोगों को कितना पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बेटा रूल्स की बात कहूं, जैसे हम हर डेली क्लासेस पे रूल्स होते हैं, वही हमारे रूल्स हैं कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना, जो आप लोग नहीं करते हो अननेसेसरी, उसके लिए थैंक यू बच्चों। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, बोलती हूँ येस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है आप अपना डाउट लिख दो, तो आप क्या करते हो, तीन डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो, लिख देते हो। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है पोल, पोल मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, पोल में अगर पोल रही हूँ आंसर करो तो जरूर करो, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है, और उससे मैं समझ पाती हूँ कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं। नहीं तो नहीं, थोड़ा गलत जा रहा है तो फिर आप कुछ और तरीके से समझेंगे, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही गलत आंसर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। तीन डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में जाओगे, और यहाँ से एबीसीडी में से जो भी आंसर लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे करना, इससे मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, क्वेश्चंस कॉपी पेंसिल में ही कर, कॉपी के अंदर ही करने हैं। ये एक संख्या, अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, मतलब संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का मतलब क्या है। बेटा संख्या रेखा मेरे सभी बच्चों को पता है क्या होती है, कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, कि मैं एक लाइन की ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पर मैं जीरो लिख देती हूँ, और यहाँ मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना, और इस तरफ क्या होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ऐसे ऐसे चलता था। कहने का मतलब क्या बेटा, जीरो के बाई दाई तरफ हमेशा कौन सी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव वाली, है ना, और जीरो के बाई तरफ हमारी कौन सी होती है, नेगेटिव वाली, है ना। और ये पूरा क्या है बेटा, पूर्णांक है ना, तो किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और जीरो भी मिला दे तो वो एक पूर्णांक बन जाता है ना। तो दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव, बाई तरफ हमेशा नेगेटिव, जीरो के, है ना, ये बात क्लियर है। ये तो सभी को पता है संख्या रेखा को आप कैसे लिखते हो। अब अगर मैं बात करूं कि संख्या रेखा पर मेरे पास एक परिमेय संख्या है, अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है परिमेय संख्या क्या होती है, हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो, मुझे, मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूंगी परिमेय संख्या क्या है। डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए होती, आपको पता है, जितना पता है बेटा उतना बताओ, बाकी मैं हेल्प करूंगी। और बेटा पढ़ाया तो सबको है, अभी तो हैंड तीन चार के आए हैं, ओके वेरी गुड, और वेरी गुड, थोड़ा भी पता है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प करूंगी, और वेरी गुड, कई बच्चों के आ रहे हैं, और वेरी गुड वेरी गुड, अब आने लगे हैं। चलो अंजलि की आईडी से जो बच्चा है, अंजलि ग्रो की आईडी से जो बच्चा है, बेटा बता दो जरा क्या होता है परिमेय संख्या आपके अकॉर्डिंग, बट परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, जितना पता है उतना बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करूंगी, बताओ जरा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, हैंड रेस किया था ना आपने, कोई नहीं बेटा, गलत होगा तो मैं हूं ना, हेल्प करूंगी, बताओ जरा प्लीज प्लीज जल्दी, इतना टाइम नहीं है, ओके चलो। रीना की आईडी से जो बच्चा है, रीना कुंदिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप बताओ रीना की आईडी से जो बच्चा है बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है, हैंड रेस किया हुआ है, बताइए, अनम्यूट करो फिर बताओ जल्दी बेटा, कोई बात नहीं, मैम ही तो है, गलत होगा तो गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, रेनू बाला की आईडी से, चलो बेटा आप बताओ, रेनू बाला की आईडी से, हाँ बेटा चलो,
भी बता क्या हो करूँ मैंने कदाब के यस वेरी गुड और बिल्कुल सही बताया बेटा वेरी गुड ठीक है चलो म्यूट करो आप बिल्कुल सही वेरी गुड ट्रेनों की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड बेटा देखो गलत बताओ सही बताओ लेकिन बोलना आना चाहिए मैं इसीलिए अपने हर बच्चे को बोलती हूँ बोलो कोई बात नहीं गलत बताओगे कोई बात नहीं तो परिमेय संख्या बच्चों क्या होती है जिसे आप पी बटा क्यू में लिख सको और जहां पर आपका क्यू जो है वो जीरो नहीं होता ना चाहिए कभी भी और जो पी और क्यू है ना बेटा वो हमेशा क्या होंगे आपके पूर्णांक होंगे ठीक है मतलब क्या हो गया अगर मैं दो बटे पांच लिख रही हूँ वो भी परिमेय संख्या और माइनस दो बटे पांच लिख रही हूँ वो भी परिमेय संख्या वेरी गुड बेटा जितने बच्चे मेरे चार्ट सेक्शन में पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं वेरी गुड ठीक है तो परिमेय संख्या बच्चों याद होना चाहिए क्या होती है जिसे पी बटा क्यू में लिख सके क्यू वहां पर जीरो नहीं होता और पी और क्यू हमारे पूर्णांक होंगे तो सारे पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। अब मान लो बच्चों मेरे पास है एक बटा दो ठीक है मुझे इस एक बटा दो जो परिमेय संख्या है मुझे इस परिमेय संख्या को ना संख्या रेखा पर दिखाना है क्या करना है संख्या रेखा पर दिखाना है तो मैं क्या करूंगी मैं एक संख्या रेखा एक ड्रॉ बना दूंगी मान लो जीरो या एक दो तीन चार पांच छ सात ऐसे चल रहे हैं और यहाँ माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच ऐसे जा रहे हैं ठीक है। अब बेटा उससे पहले हम क्या करेंगे इस परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदल लेंगे सभी को बदलना आता है ना दशमलव में बदलना आता है जीरो दो लिख दो यहाँ एक लिख दो तो एक तो आता नहीं है आप लगाओगे पॉइंट यहाँ लगाओगे जीरो पांच पे जाएगा कितना आ गया यहाँ से जीरो दशमलव पांच। अब जीरो दशमलव पांच आपको पता है एक से बड़ा है सॉरी जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है ऐसा ही है ना तो आपको ये पता लग गया कि वो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा तो मैं क्या आपने देखा ये तो प्लस का है पॉजिटिव है धनात्मक है आप जीरो और एक के बीच में लगा दोगे क्या मैम एक बटा दो आएगा और यहीं पे मैं बोलती माइनस एक बटा दो तो आप कहां जाते जीरो और माइनस एक के बीच में एक बटा दो माइनस का क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है क्या मैं बताना चाह रही हूं कि किसी भी संख्या रेखा पर अगर परिमेय संख्या को बेटा दिखाना है तो आप क्या करो उसको दशमलव में बदल लो इजी है और उससे आप जैसे आप दशमलव में बदल लेते हो ना उसके बाद आपको वो पता लग जाएगा कि कौन से दो नंबर के वो बीच में आएगा फिर आप दो नंबर लिखा दो सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है यस और नो किसी को इसमें डाउट है यस और नो ठीक है चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ आप लोग मुझे बताओ ठीक है कौन से दो नंबर के वो बीच में आएगा और फिर आपको संख्या रेखा कॉपी पे बनानी है और मुझे कॉपियां दिखानी है ठीक है मुझे कॉपियां दिखानी है मेरे पास है बेटा पांच बटा दो आप लोगों को इसे नंबर लाइन पे दिखाना है यानी कि संख्या रेखा पे दिखाना है पांच बटा दो कहाँ आएगा ठीक है पांच बटा दो कहाँ आएगा चलो दिखा दो जरा ठीक है चलिए कॉपी में दिखाइएगा और कॉपी मुझे दिखा दीजिएगा सभी बच्चे पहले आप इसको दशमलव में बदलो फिर देखो कौन से दो नंबर के वो बीच में आ रहा है और फिर वहां पर आप क्या करो उन दोनों दशमलव के बीच में उन दोनों संख्याओं के बीच में इसको लगा चलो बताओ जरा ठीक है मेरे एक बच्चे की कॉपी आई ठीक है वेरी गुड सतपाल के आईडी से वेरी गुड बेटा और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी दिखाइए कॉपियां नहीं बेटा नोटबुक दिखाओ मुझे कॉपियां देखनी है बैक कैमरा ऑन कर दो और कॉपियां दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है सही गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा मैं आपको हमेशा कहती हूँ सही गलत कोई प्रॉब्लम नहीं है करने की कोशिश भी की है ना वो भी बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड रेणु बाला की आईडी से जो बच्चा है वेरी वेरी गुड प्रदीप की आईडी से वेरी गुड
राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, दलबीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे, बट लेकिन आपकी बहुत क्लियर नहीं दिख पा रहा। हाँ बट ठीक है, गुड गुड गुड। और बाकी बच्चे मेरे, बाकी बच्चे बेटा देखो सबको ट्राई करना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे। हाँ अब दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो सिंपल सा है बच्चों, मैंने क्या किया इसको लिखा दशमलव में, है ना। अब दशमलव में तो मुझे सबको लिखना आता ही है, आपने यहाँ लिखा दो, यहाँ लिखा पांच, दो दुनी चार होता है, तो यहाँ से आपके पास पांच में से चार गया एक। अब आपने यहाँ ऊपर दशमलव लगाया, यहाँ जीरो, पांच पे चला जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2.5, है ना। कितना आ गया 2.5। अब 2.5 मेरे सभी बच्चों को पता है कि ये दो से तो बड़ा है और तीन से छोटा है, और ये क्योंकि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जीरो के तो दाई तरफ ही आएगा, तो दो और तीन के बीच में आपने लगाया 5/2। अभी यही पे बेटा ये माइनस का होता ना, -5/2, तो आप क्या करते, कहां लगाते, दो माइनस दो और माइनस तीन के बीच में -5/2। मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो। अच्छा सभी बच्चों को पता ही एक विषम भिन्न है, ये तो एक पता है ना सबको, ये विषम भिन्न है। हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीका और है, देखो मैं बता देती हूँ। मान लो मेरे पास ये 5/2 है, ये एक विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को मेरे सभी बच्चों को किस में बदलना आता है, मिश्र भिन्न में आता है ना, मिश्र भिन्न में हम बदल सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। आप क्या करो, भाग करो 2 से 5 को, 2 दुनी 4, -1 आ गया, है ना। अब आप इसको विषम भिन्न में कैसे लिखोगे, जो आंसर आता है उसको आगे और यहाँ 1 लिखते हैं, शेषफल यहाँ आता है और बटे में 2, तो ये 2 सही 1/2। ये क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा है और 1/2, 2 और आधे की बात कर रहा है, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दशमलव में करके तो आता ही है सभी को 2.5, वो तो सबसे ईजी है ही। तो मतलब विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल के भी कर सकते हो, और आप कैसे कर सकते हो, दशमलव में बदल के भी। तो दशमलव वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कि 2 या 3 के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है ना। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस बेटा, आप क्या कह रहे थे, राज की आईडी से जो बच्चा है, कुछ कह रहे थे ना बच्चे? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने लीव करके ज्वाइन किया था क्या बच्चे? इसे हो गया था। अच्छा एक बार फिर, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो, फिर देखो आती है नहीं, नहीं आती है तो फिर मुझे बताओ, ठीक है? ओके ठीक है ठीक है। और एक चीज और मेरे को बच्चों बतानी है, मान लो, मान लीजिए आपके पास ना, जैसे आप सभी को पता है कि उचित भिन्न क्या होता है ना। मान लो मेरे मेरे पास है 1/2, मान लीजिए मेरे पास है 4/5, ठीक है। एक तो तरीका हमने देखा था, ये क्या है आपका उचित भिन्न है, नीचे ऊपर वाला बड़ा है, छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो एक तो आपको पता है आप क्या करोगे, इसको बदलोगे दशमलव में, है ना, इसको बदलोगे आप दशमलव में, कितना आएगा हमारे पास 5/48 होता है ना, तो मेरे पास आया 0.8। दिख रही है अभी भी नहीं दिख रही, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, आप सभी की स्क्रीन जाएगी, एक सेकंड दीजिएगा। अभी चेक करो बेटा, अभी दिख रही है, अगर अभी भी नहीं दिख रही तो फिर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम 0.8 है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगा 4/5, ठीक है। एक तो तरीका हमने ये देख लिया, ठीक है। दूसरा बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी उचित भिन्न होगा ना, एक तरीका और हो सकता है कि कभी भी आप नंबर लाइन देख रहे हो ना, उस नंबर लाइन पे वो क्या कहना चाह रहा है, उसने 0 और 1 को ना, आपको याद है मैंने आपके डायग्राम सिखाए थे उचित भिन्न के, 5 किसी चीज के 5 हिस्से कर दिए, 4 की वो बात कर रहा है, तो मैंने इसके ना 5 हिस्से कर दिए, ठीक है। देख लो 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, अब वो 4 की बात कर रहा है, 4 हिस्से हो गए, यानी कि ये हो गया 4/5,
ठीक है, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में 4/5। तो आपका उचित भिन्न वाला हो सकता है, कई बार ऐसा भी दिया हो यानी कि 0 और 1 के बीच में उसने उतने हिस्से बना रखे हो। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक तो डायरेक्ट है कि आप क्या करो, सिंपल दशमलव में बदलो और संख्या रेखा बनाओ और निशान लगा दो, है ना। दूसरा, कई बार क्या होगा, उचित भिन्न वाले क्वेश्चंस में आपके पास उसने उतने भाग दे रखे कर रखे होंगे उस 0 और 1 के बीच में, और उन भागों में जो जितने भाग की वो बात कर रहा है उस भाग पे जाके आप लगा दो निशान। चलो फिर, अगर आपको सभी को समझ आया है ना बेटा, फिर आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, सुन लो राज फैमिली की आईडी से जो बच्चा है, क्योंकि बेटा आप 2 बार मैंने भी कर दिया है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास एक नंबर है 3/8, ठीक है, मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। चलो आप दिखाओ जरा कैसे दिखाओगे। मैंने क्या किया, मैंने 0 और 1 को ना 8 भाग में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 8 भाग हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको थोड़ा और बढ़ा के 8वां कर देती हूँ मैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में मैंने 8 भाग कर दिया, मुझे 3/8 दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है क्या हो गया, 3/8 हो गया, ठीक है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? अदरवाइज तो आप क्या करोगे, नॉर्मल दशमलव में बदलो और संख्या रेखा पर दिखा दो। ये कब हो सकता है, जब आपको ऑप्शन गिवन हो इस तरीके पे भी, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ये हमेशा कब होगा, उचित भिन्न में। आपको याद है मिश्र विषम भिन्न का तो हम डायरेक्ट डायग्राम बना ही नहीं सकते, उसके लिए तो हमें मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, फिर मैं कुछ और चीज पूछूंगी आपसे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक नंबर है -25/7, वो 0 के किस तरफ आएगा, 0 के किस तरफ आएगा, दाई तरफ या बाई तरफ? दाई तरफ आएगा तो ए लिखना, बाई तरफ आएगा तो बी लिखना, बताओ जरा, दाई तरफ आएगा या बाई तरफ आएगा, बता दो जरा। हाँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जो आपको ठीक लग रहा है। बिल्कुल सही, आपने देखा नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिखा -1, -2, -3, -4। आपको पता है नेगेटिव वाले नंबर तो हमेशा बाई तरफ ही आते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर हमेशा दाई तरफ आते हैं, और ये तो -7/25 है, -25/7 है, तो ये कौन सी तरफ आएगा, बाई तरफ। मैम बिल्कुल, हाँ बेटा, हमने 25 तक गिनती लेनी पड़ेगी? नहीं बेटा, लेने की जरूरत ही क्या, उसने बस ये पूछा है वो किस तरफ आएगा, आपको दिखाने की जरूरत थोड़ी है, उसने तो आपने देखा ये माइनस का है, तो आपको पता है ये तो 0 के बाई तरफ ही आएगा माइनस का। जी। अगर मैं यहाँ पर 2000 माइनस का लिख देती तो भी आपको ये बोलना था 0 के तो मैम ये बाई तरफ ही आएगा, आपको उसने ये बोला कहाँ पर आएगा वो नहीं बताना, बस उसने ये पूछा है कि 0 के किस तरफ आएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे सभी बच्चे ना एक नंबर का बताओ, मेरे पास एक नंबर है -3/2, ठीक है, इसको संख्या रेखा पर बनाओ और मुझे जरा दिखाओ कहां पर आएगा, -3/2 संख्या रेखा पर बनाओ और जरा दिखाओ, कॉपियां दिखा देना, दशमलव में बदलो उसके बाद संख्या रेखा पर बनाओ और मुझे दिखाओ। नहीं बेटा, मैंने इसको ही पूछा है कौन किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, प्रॉपर बनाना है ये तो आपको, दशमलव संख्या रेखा पर कहां पर आएगा, ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ये देखो आप, चलो वेरी गुड, मेरे एक बच्चे का आ रहा है आंसर, रेनु बाला की आईडी से, वेरी गुड बेटा, तुषार की आईडी से, वेरी गुड बच्चे,
प्रदीप दलाल के आईडी से वेरी गुड, सतपाल दलाल के आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे मेरे जिनका नाम लेती जाती हूँ बेटा वो बंद कर लेना, बाकी जो बच्चे हैं वो दिखा दीजिए अब। बाकी बच्चे दिखा दो जरा, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपने देखा कि एक तो ये माइनस का है, तो आपको इतना तो पता लग गया कि ये जीरो के बाई तरफ आएगा, है ना, ये तो आप सभी को पता लग गया। अब आपको ये देखना है कि कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में ये आएगा, है ना, कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में ये आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले इसको 3/2 को दशमलव में लिखना है। आपने लिखा 2, यहाँ लिखा 1, 2 एकम 2, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, यानी कि अब 5 पे जाएगा, 2 5 10, यहाँ से आ गया आपके पास 1.5। अब 1.5 माइनस का, यानी कि ये जो नंबर है आपका 1 से तो छोटा है, माइनस 1 से छोटा है, मतलब माइनस 1 से छोटा है और माइनस 2 से बड़ा है, यानी कि माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में आएगा, माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में आएगा -3/2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं बेटा? -4 -3 -2 क्या लिखा है आपने बेटा? एक आपको अगर माइनस प्लस समझ नहीं आ रहा, आप सिंपल पॉजिटिव में देख लो, 1 और 2 के बीच में आएगा, माइनस की तरफ जाके 1 और 2 के बीच में लगा दो, है ना, वेरी गुड। ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया है, ओके ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देख लेते हैं हम। ओके एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन गई होगी बच्चों, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है अभी आ गई होगी, अभी स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। हाँ, सो हमने ये देख लिया, ये सबको क्लियर हो गया, है ना, चलो आगे आगे देखते हैं। मान लो मैं, मेरे पास एक संख्या है -3/2 जिसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना, तो आपको पता है -3/2 इसके बीच में आएगा, -3 और 2 के बीच में, है ना, क्योंकि आपको पता है -3/2 को आप दशमलव में लिखोगे कितना आएगा, 1.5 माइनस का, यानी कि वो 1 से तो छोटा है, -1 से छोटा है ना, और -2 से बड़ा है, तो यानी कि -1 और -2 के बीच में आप लगा दोगे। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई? अगर उचित भिन्न होगा तो कई बार आपको क्या देखना पड़ सकता है कि वो 0 और 1 के बीच में उतने भाग कर रखे हो, और उन भागों के अकॉर्डिंग आप देखोगे जैसे हम भिन्न को करते थे, है ना। चलो फिर सबको क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? अगर हो गया है तो बेटा मैं अब क्वेश्चन पूछूंगी, अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है ना तो बता दो, नहीं तो अब हम क्वेश्चन लेंगे। चलो फिर दो जरा क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है बेटा, -5/2 जो है वो 0 के किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, ठीक है, -5/2 0 के किस तरफ आएगा, पोल में जाके आपको आंसर देना है, पोल आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो कॉपी पे पहले बना लेना कि वो 0 के किस तरफ आ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है दाई ओर, बी ऑप्शन है बाई ओर, यानी कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। कर दिया मैम। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया बेटा जल्दबाजी मत करो, पहले कॉपी में कर लो, क्योंकि दाई बाई की फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। वेरी गुड, 0 के वो किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, वो लगाइए देख के, ऑप्शन चूज कीजिए। वेरी गुड,
वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए सभी बच्चे जाए, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर ठीक है वो आप लगाइए। मैम हाँ बेटा, अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। थैंक वाह, वेरी गुड बेटा, हैप्पी बर्थडे। यू मैम। क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, फिर हम डिस्क बात करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज बेटा सभी बच्चे आंसर करो। वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे, बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है सभी बच्चे आंसर कीजिए, उसी से मैं समझ पाऊंगी मेरे कितने बच्चों को समझ आ रहा है। अभी भी मेरे 3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, चारों तीनों बच्चे कर दीजिए आंसर, -5/2 0 से किस तरफ आएगा, है ना? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से आंसर कर देंगे, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, बस एक दो तो बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया, तो बेटा देख लो सिंपल सा है, आपने क्या किया, 0 यहाँ लिखा, -1, -2 है ना, इस तरफ लिख दिया, आपको पता है माइनस का कोई भी संख्या हो है ना, वो तो किस तरफ आएगी, 0 के बाई और ही आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड ही आएगी, आपको उसको तो दशमलव में भी पॉइंट में बदलने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? आप यस मैम। सिंपल से देख के बस उसको ये उसने पूछा है कि 0 के किस तरफ आएगी, आपको पता है वो लेफ्ट साइड, वो बाई और आएगी लेफ्ट साइड पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, और मेरे मोस्टली बच्चों ने सही भी किया है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर, इतना अगर सबको आ गया है समझ तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा आपका कि आपके पास है 3/5, कितना है 3/5, इसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है? ये एक उचित भिन्न है, मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में उतने, यानी कि 5 हिस्से किए हुए होंगे, उनके 3 की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से करना, ठीक है? चलो ऑप्शन पहले अपना कॉपी में लिख लो, चाहे ऑप्शन में भी ना एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखना, कि सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे कई बार, ठीक है? तो 0 और 1 के बीच में कितने 5 हिस्से किए होंगे और 3 की वो बात कर रहा है, तो सोचो कहां पर आएगा, ऑप्शन में से फाइंड करो और आंसर लगाओ। बेटा ऑप्शंस को पहले ध्यान से देख लो, एक जैसे ही लग रहे हैं, आप ये देखो कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा बना हुआ, पहले अपना कॉपी में बना लो, 3/5 का पहले अपने कॉपी में बना लो, 0 और 1 के बीच में उतने हिस्से करके, फिर ऑप्शन में ढूंढो अपना वाला कहाँ से मैच कर रहा है, अगर आप डायरेक्ट वहां ऑप्शंस में देखोगे तो गड़बड़ होगा। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, ध्यान से बच्चों ध्यान से, अभी कुछ बच्चे ना जल्दबाजी के चक्कर में गिन भी लो उनके बीच में, कहीं कई बच्चे गिन भी नहीं रहे, बस देख के ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं। तीन बट्टा पांच है बेटा, 3/5 है, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है ना, 5, 4, 3, 2, 1,
जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों इसमें ना आप लोगों ने काफी होने ना मिक्स आंसर कर दिया, गड़बड़ कर दिया। अगर मेरे एक बार देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि मान लो बेटा मेरे पास है, मेरे पास क्या है, 3/5 है। तो मैंने क्या किया, 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से करेंगे, 5, 1, 2, 3, 4 पांच हिस्से करने हैं ना, तो चार ही तो डंडे खींचेंगे तभी तो 5 हो जाएंगे। अगर 5 खींच देंगे तो 6 हिस्से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच हिस्से हो गए ना। अब हम कितने की बात कर रहे हैं, 3 की, तो 1, 2, 3 यानी कि आपका कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला 3/5 यही होगा ना। अगर मैं इसी को ऑप्शन में ढूंढू तो अगर मैं पहले डी ऑप्शन पे जाती हूँ, नीचे से चलते हैं चलो ठीक है, मैं पहले डी पे जाती हूँ, यहाँ पर -3 पे आंसर लगा रखा, -3 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो डी ऑप्शन तो गलत है। अगर मैं सी पे जाऊं, वो कह रहा है 1 और 2 के बीच में आएगा, नहीं भी हम तो 0 और 1 के बीच में हिस्से कर रहे हैं ना, तो 1 और 2 के बीच में तो कहीं भी नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। अब बी पे बात कर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से हुए, 1, 2 मैं लिख देती हूँ हिस्से की नाम बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, हम तो 5 हिस्सों की बात कर रहे हैं, इसने तो 0 और 1 के बीच में 6 हिस्से कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। हम गए पहले वाले पे, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से करें, इसने सही किए हैं। 3 की हम बात कर रहे हैं तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा यानी कि ये हो गया आपका 3/5, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, कैसे हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे कई बच्चों ने इसमें आंसर गलत किया है। तो बेटा आगे पीछे के नंबर भी देखना जरूरी होते हैं कि हमें कितने हिस्से करने थे और कितने हिस्से बन गए हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, अगर आई है तो बता दीजिए जल्दी से, यस लिख दो, यस और नो, ऑनेस्टी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, यस और नो। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको -7/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, -7/2 को आपको पता है, -7/2 यानी 7/2 एक विषम संख्या है, आपको पता है, आप दशमलव में बदल के भी कर सकते हो, मिश्र बिन में बदलो, और पहले कॉपी में बना लेना, कॉपी में बना के देखो कौन सा, फिर उसके बाद ऑप्शन में ढूंढो। ठीक है, 7/2 है उसका पहले क्या करोगे, दशमलव में लिखोगे, फिर आपको माइनस का है तो माइनस वाली साइड जाना पड़ेगा, तो उस तरीके से सोचना, पहले कॉपी में कर लेना, और ठीक है पहले कॉपी में करो फिर उसके बाद ऑप्शन ढूंढो, आपका कॉपी वाले आंसर से कौन सा मैच कर रहा है, फिर पोल में जाके आंसर करो। ठीक है, 7/2 को दशमलव निकालो। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, और उसके बाद ऑप्शंस ढूंढ में ढूंढना कि आपसे कौन सा मैच कर रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ टाइम ले लो, लेकिन आराम से करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देख लेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी मेरे आधे बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे।
माइनस सात बटे दो को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। माइनस सात बटे दो है, वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, करते जाइए। पहले जल्दी से कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए बेटा। सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेल डन। वेरी गुड मैम, ये तो बिल्कुल ही आसान है बेटा। आपको आ गया इसलिए आपको आसान लग रहा है, वेरी गुड। अगर आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे तीन चार बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए, कर दीजिए सभी बच्चे। मैं पांच सेकेंड और गिनूंगी, पांच सेकेंड और दे रही हूँ। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। आप सभी बच्चों को पता है कि आप क्या करोगे, पहले सात बटे दो का माइनस सात बटे दो को आप पहले किसमें लिखोगे बच्चे, आप पहले लिखोगे दशमलव में। तो आप सात बटे दो का पहले लिखोगे दशमलव में। सात एकम सात, सात सॉरी तीन एकम दो, एकम दो, दो तिया छ होता है। तो माइनस किया एक आ गया, पॉइंट लगाया पांच, है ना, दस आ गया। तो यहां से मेरे पास आया 3.5 माइनस का, है ना। अब मुझे पता है कि माइनस वाली साइड पर 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे माइनस वाली साइड पर माइनस 3/5 लिखना है। 3 और 4 के बीच में होगा माइनस 3, और माइनस 4 के बीच में आएगा 3/4, है ना। माइनस 3 बटा सॉरी माइनस 3.5 यानी कि माइनस 7/5, 7/2 माइनस 7/2 आपका माइनस 3 और माइनस 4 के बीच में आएगा। अब मैं ऑप्शन में देख लेती हूँ, मैं ऑप्शन में गई। पहले ऑप्शन में क्या है, बी है, माइनस 2 है। तो बेटा माइनस 2 तो कहीं पे भी नहीं आएगा, हमें तो चाहिए माइनस की साइड पर क्या, माइनस 3 और माइनस 4 के बीच में। और इधर देखेंगे तो दो है, दो भी नहीं हो सकता। इधर देखो माइनस 3 और माइनस 4 के बीच में लगा हुआ है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। फिर भी हम डी देख लेते हैं। डी में तो बेटा माइनस 3 पे ही लगा हुआ है, माइनस 3 पे लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो क्या आप सभी को किसी भी, अगर मैं कोई भी आपको संख्या दे दी जाए तो क्या आप उसे संख्या रेखा पर निरूपित कर पाओगे, परिमेय संख्या हो या नॉर्मल संख्या हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है। परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में लिख लो, लगा दो। अगर वो उचित भिन्न में आ जाती है और उसने उस जीरो और एक के बीच में पार्ट कर रखे हैं, तो भी आपको पता है, आप अपने माइंड में सोच लोगे। उचित भिन्न का हमें डायग्राम आता है कि वो पांच की बात, पांच उसने हिस्से करे, तीन की वो बात कर रहा है, यानी कि तीन हिस्सों के बाद हमें वो निशान लगा देना है 3/5। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो, क्या मेरे सभी बच्चों को समझ आया है, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हमने देखा दो परिमेय संख्याओं के को हम कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं, ऐसे हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले परिमेय संख्याओं को से पहले आप, अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, आप सभी को बता, अगर मैं आपको दो पूर्णांक दे रही हूँ माइनस 5 और 3, मैं पूछ रही हूँ इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक संख्या आएगी, तो कौन कौन सी आएगी बता दो जरा चैट सेक्शन में, बताओ जरा चैट सेक्शन में कौन कौन सी पूर्णांक संख्या आएगी। बेटा वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, जिस बच्चे को ज्यादा कट के आवाज आ रही है ना बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको, इस वजह से ऐसे आ रहा है।
ठीक है। तो आपको पता है इसके, और आप क्या करोगे, आपको याद करोगे, संख्या रेखा याद है, आपको पता है कि माइनस पांच और तीन के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, है ना, ठीक है। ये तो आपने बता दी माइनस पांच और तीन के बीच में। अगर मैंने आपको माइनस पूछा कि संख्या रेखा संख्या पूर्णांक बताइए माइनस चार और माइनस तीन के बीच में, माइनस चार और माइनस तीन के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में कोई पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक होगा क्या इनके बीच में, माइनस तीन और माइनस चार तो क्रमागत हो गई, ये क्या हो गई, क्रमागत हो गई, लगातार वाली हो गई, लगातार दो संख्या के बीच में तो कोई पूर्णांक नहीं होगा, तो कौन सा होगा इसके नीचे, जीरो, कोई भी पूर्णांक नहीं है, है ना, कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा। तो एक चीज याद रखो, अगर मुझे दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक निकालने हैं तो सीमित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड गिनती होगी ना उनके बीच में, या तो जीरो होगी या तो फिर कोई गिनती होगी, या तो जितना उनके बीच में डिफरेंस होगा उतनी गिनती होगी, है ना। जैसे मैं बात करूं अगर पांच और माइनस पांच और तीन के बीच में देखूं, अगर मैं सात पूर्णांक आएंगे, सात गिनती आ जाएगी, है ना, सात गिनती आ जाएगी। अगर ऐसे ही मैं आपको पूछ रही हूँ कि दो माइनस दो और माइनस तीन के बीच में बताओ, तो इनके बीच में तो बेटा कुछ भी नहीं है, जीरो आएगी, है ना, इनके बीच में तो क्या आएगी, जीरो आएगी। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, दो पूर्णांकों के बीच में सीमित ही होती है क्या, परिमेय संख्या है। हाँ जी, तो दो पूर्णांकों के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में अगर हमें पूर्णांक बताने हैं तो वो सीमित होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहीं पे बेटा मैं अगर एक बात बोलूं आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो बेटा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड, असीमित परिमेय संख्या होती है, ठीक है। मान लो मैं बोल रही हूँ दो बटे पांच और सात बटे पांच, ठीक है, इनके बीच में दो परिमेय संख्या बताओ, तो आप ये क्या करोगे, आपने देखा इनके हर क्या है, एक जैसे हैं, तो सबसे पहले हम हर को देखते हैं। अगर हर समान होते हैं, क्या होता है, हर समान होते हैं तो हम ऊपर वाला देखेंगे, दो है और सात है, और दो और सात के बीच में तो आपको पता है कई सारी गिनती होती है, है ना, तो आप क्या करोगे, दो के बाद के यहां पर क्या आएगा आपके पास, तीन बटा पांच, चार बटा पांच, पांच बटा पांच और छह बटा पांच, तो इनमें से आपको कोई भी दो परिमेय संख्या बता दो। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चे असीमित मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके साथ वाले का भी आए, क्योंकि बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्या होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है, ये मैंने कब बताया, जब हमारे हर समान हो, हर एक जैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं के बीच की गिनती लिख देंगे और वो हमारी परिमेय संख्या, तो उनमें से जितनी पूछी हो उनमें से हम बता देंगे। बेटा जब होगा ना आपको पता लग जाएगा, जल्दी ही होगा, है ना, आपको बता देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं इसी में ना एक और तरीके का क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास एक संख्या है चार बटा पांच और छह बटा पांच, इसके बीच में ना पांच परिमेय संख्या बताओ, पांच परिमेय संख्या बताओ, क्या करोगे आप, पांच परिमेय संख्या बताओ क्या करोगे आप। अब आप देखोगे मैम ने बोला था हर को देख लेना है, हर समान होने चाहिए, यहां तो हमारे हर समान है लेकिन ऊपर की गिनती चार है और छह है, चार और छह के बीच में तो सिर्फ पांच ही आएगा, पांच बटा पांच एक ही परिमेय संख्या बता पाओगे, हमें तो यहाँ पर पांच पूछी है, हम क्या करेंगे, हम जितनी बेटा परिमेय संख्या पूछी है उनसे एक ज्यादा ऐड कर देंगे, छह हो गया। अब क्या करोगे, छह को आप ऊपर नीचे गुना करोगे, चार बटे पांच में करोगे तो कितना आ गया, छह चौक चौबीस, चौबीस बटा तीस, और ऐसे ही छह बटे पांच में गुना कर दोगे तो कितना आ गया, छत्तीस बटे तीस, है ना। अब आपके पास दो संख्या मिल गई, चौबीस बटे तीस और छत्तीस बटे तीस, है ना, चौबीस बटे तीस और छत्तीस बटे तीस। अब इसके बीच में तो आप बहुत सारी परिमेय संख्या बता सकते हो, कौन कौन सी, पच्चीस बटा तीस, छब्बीस बटा तीस, सत्ताईस बटा तीस,
अट्ठाईस बटा तीस, उनतीस बटा तीस, इकतीस बटा तीस, बत्तीस बटा तीस, तैतीस बटा तीस, चौतीस भी आ जाएगा और पैंतीस भी आ जाएगा। चौतीस बटा तीस और पैंतीस बटा तीस, ये तो 11 होगी। हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, उसने हमसे पूछी कितनी है बेटा, सिर्फ पांच। आप कोई भी पांच बता दो, पहली पांच लिख दो, चाहे बाद की पांच लिख दो, चाहे बीच की कोई पांच लिख दो, ठीक है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि जब हमारे पास हर समान हो लेकिन अंश के बीच, ऊपर वाले नंबरों के बीच में ज्यादा गैप ही ना हो, जितनी उसने परिमेय संख्या पूछी है, तो हम क्या करते हैं उससे एक ज्यादा लिखकर उनको दोनों में ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, फिर जो हमारे नंबर आए उसके बीच में तो हम लिख ही सकते हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? अगर आ गई है तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इसमें से, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलो फिर बता दो जरा एक क्वेश्चन, अगर सबको समझ आया है। मेरे पास संख्या है 3/8 और दूसरी है 4/8, ठीक है। 3/8 और 4/8 के बीच में आपको सात परिमेय संख्या बतानी है, सात परिमेय संख्या बतानी है, बता दो जरा क्या करोगे? सात परिमेय संख्या बतानी है, बता दो जरा। कॉपियां दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, करने के बाद कौन कौन सी आपकी आएंगी, फिर मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले आप मुझे बताइए कितना होगा। सात परिमेय संख्या बतानी है बच्चों, दो बटे पांच, सॉरी 3/8 और 4/8 के बीच में आपको सात परिमेय संख्या बतानी है। प्रदीप दलाल के आईडी से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे मेरे, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आएगा बेटा। सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है लिखी करिए। तुषार की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने मुझे चैट सेक्शन में लिखा, वेरी गुड, यस। तो हमने क्या किया बेटा, मेरे को सात बताने थे तो मैंने क्या किया, सात बताने के लिए मैंने सात में एक जोड़ दिया, आठ हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, 3/8 में आठ से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ से, आठ के मार 16 + 24, 24/8 = 64, ठीक है। और इधर लिख दिया 4/8 गुना में आठ गुना में आठ, है ना, 8 × 32/64, है ना। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया बेटा, 24/64 और 32/64। तो मैं इसके बीच में सारी लिख लूंगी, 25/64, 26/64, 27/64, 28/64, 29/64, 30/64 और एक और हमारा आ जाएगा क्या, 31/64, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देती हूँ 32/64। तो मेरे को सात बतानी थी, मैंने सात लिख दी। अब मेरे कुछ बच्चों ने ना क्या किया है, सात से ही गुना कर दिया ऊपर नीचे। तो बेटा जब सात से ऊपर नीचे करोगे ना, गलत वो भी नहीं है, ठीक है, तब आपके पास नीचे 56 आ रहा होगा, लेकिन तब आपके पास छह ही परिमेय संख्या आएंगी, सात नहीं आएगी। देखो गिनकर जितने भी बच्चों ने लिखा है ना, उसमें सिर्फ छह परिमेय संख्या बनेंगी, सात नहीं बनेगी, अगर आप सात से ऊपर नीचे गुना करते हो तो, ठीक है। तो आपको जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक से ज्यादा आपको जोड़कर उसको ऊपर नीचे गुना करना है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, क्लियर हुई है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता देंगे बेटा, सबको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम।
कैसे अभी तक यस हमने अभी तक वो परिमेय संख्याएं देखी हैं जिनके जिसके हर समान है, उन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखा है जिनके बीच जिनके हर समान है ना। अभी जिनके हर डिफरेंट होंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो चलो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है। सबसे बड़ी बात बेटा, एक चीज जो ध्यान